मनीष पॉल जिन्हें ऑडियंस जानती है उनकी एक्टिंग से ज्यादा उनकी कॉमेडी और उनकी होस्टिंग के लिए, बट वहीं मनीष हैं कितने वर्सटाइल एक्टर ये छुपा है बहुत से लोगों से। जैसे बात कर लीजिए जून में रिलीज हुई उनकी वेब सीरीज रफू चक्कर की ही, जहां उन्होंने प्ले किए 5 डिफरेंट कैरेक्टर्स। वेल यस, मनीष को देखा गया करते प्ले एस पवन कुमार, जिन्होंने किए बहुत से स्कैम और सभी के लिए अपनाया एक डिफरेंट गेटअप। अब एक ही शो के लिए खुद को 6 डिफरेंट कैरेक्टर्स में ढालना नहीं है इतना इजी, लेकिन फिर भी पूरी बखूबी से निभाया मनीष ने अपने इन सभी रोल्स को। ऑडियंस भी उनके सभी कैरेक्टर से करती है इतना कनेक्ट कि रफू चक्कर के रिलीज होने के 3 मंथ्स के बाद भी करती दिखती है उनके डायलॉग्स को कन्वर्ट इनटू मी। वही मनीष भी अभी तक याद करते हैं अपने करेक्टर्स को, एज रिसेंटली ही देखा गया उन्हें शेयर करते अपने वन ऑफ दी करेक्टर्स की स्टिल इमेजेस। रिपोर्ट्स की माने तो रफू चक्कर का आएगा नेक्स्ट सीजन भी, जिसकी रिलीज होने की उम्मीद है जून 2024 में। वही रवि दुबे भी ऐसे एक्टर हैं जिन्हें ऑडियंस उनकी होस्टिंग के लिए जानती है सबसे ज्यादा, बट वही रवि भी करते आए हैं हमेशा ही खुद को प्रूव एज अ वेरी गुड एक्टर। जैसे बात कर लीजिए लास्ट मंथ रिलीज हुई वेब सीरीज लखन लीला भरगावा की ही। जी हाँ, इस वेब सीरीज में रवि को सिर्फ उनके फैंस ने ही नहीं बल्कि अप्रिशिएट किया है उनके को एक्टर्स ने भी। जियो सिनेमा पर रिलीज हुई इस सीरीज को रवि ने किया है अपने शोल्डर्स पर पूरी तरह से रन, बट वी आर वेरी श्योर कि वो करने वाले हैं अपना एक बेंचमार्क सेट फ्रॉम अपकमिंग फिल्म फैराडे। वेल यस, इस मूवी की अनाउंसमेंट हुई थी लास्ट ईयर और तभी से ये मूवी है काफी चर्चा में, और वो भी सिर्फ रवि की लुक्स के कारण। पोस्ट से नजर आ रहा है कि रवि का इस मूवी में होने वाला है एक अलग ही करेक्टर। अब वेट है तो सिर्फ इसका कि कब अनाउंस होता है फैराडे का रिलीजिंग डेट। मनीष और रवि दोनों ने ही टीवी शोज और होस्टिंग कर अपनी फैन फॉलोइंग इंक्रीज की है, और अब वेब सीरीज से डिफरेंट करेक्टर्स प्ले कर ये दोनों ही सेट कर रहे हैं गोल्स उन सभी आर्टिस्ट के लिए जो बनने तो आते हैं हीरो लेकिन बन कर रह जाते हैं सिर्फ एक साइड एक्टर। To know more Bollywood news, keep watching Boogle Bollywood.